दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइटकॉन का। लाइटकॉन में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका स्पोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में, और बहुत सारे लोग इसको हाई रेंज में बाय करके स्टक हो गए हैं, अभी के डेट में उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर यहाँ पे हम लाइटकॉन के ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको $63 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, ये आपको 4 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 209 मिलियन है, 23% इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन कम हुई है। जब इसके देखें हाविंग के न्यूज था, तब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी दोनों बड़ी थी। अब धीरे धीरे आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिलता है, पर जो यहाँ पे इसका प्राइस में आप डंप देख रहे हैं तो एक मौका है अगर आप स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आपने इसको हाई रेंज में बाय किया है तब एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे और बाइंग करके अपने बाइंग का एवरेज कर लें, ताकि बुल रन में जाके आप अच्छे रेट में इसको सेल करके थोड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएं। जो अभी आपका लॉस चल रहा है वो धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पाए। अब अगर इसके हम सप्लाई की बात करें कि इसकी सप्लाई कितनी आपको मार्केट में देखने को मिलती है, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ 73 मिलियन है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 84 मिलियन है। अभी देखिए, इसकी सप्लाई फिक्स होने की वजह से क्या है, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा, और एक पुराना ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी है तो लॉन्ग टर्म में मतलब आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। शॉर्ट टर्म में चाहे उतना हाई इसका नहीं है, बट अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे लॉस चल रहा होगा वो रिकवर हो जाएगा। अब अगर इसके हम ओवरव्यू की बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इसके बारे में, तो आपको इसकी वेबसाइट पे विजिट करके इसके फंडामेंटल को चेकआउट कर लेना है। ये एक डिजिटल करेंसी है, जैसे आप रुपीज़ यूज़ करते हैं वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में हम लाइटकॉइन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो 24 आवर में 63 से लेके 64 के रेंज में देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई इसका 2021 में लगा हुआ है $412 का, ऑल टाइम लो इसका $1 के नियर अबाउट है। तो ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी जो बाइंग है वो कर सकते हैं। अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें तो अभी की डेट में देखें बहुत सारे एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग है, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट 2023 का जो 2022 का टाइम रहा है ये बेयर मार्केट का रहा है, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा इनमें पोटेंशियल देखने को नहीं मिला, पर 24 और 25 अच्छा खासा रहने वाला है। अब यहाँ पे किसी भी कॉइन या टोकन में बाइंग करने से पहले आपको थोड़ा फंडिंग रेट पे नज़र मारना होता है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के एंगल से जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फंडिंग रेट है अब आपको ऑलमोस्ट यहाँ नेगेटिव देखने को मिलती है, बहुत रेयर जगह आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो जब फंडिंग रेट इस तरह से होती है फिर आपके जो चार्ट पैटर्न है वो एग्जैक्ट वर्क करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं लाइटकॉइन के मूवमेंट को। पर यहाँ फंडिंग रेट अगर यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा रहेगा तो आपको क्या करना है, बुलिश साइड में एक ट्रेड ओपन करना है, और अगर ये बुलिश होगा तो आपको बेयरिश साइड में एक ट्रेड लेना है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो ये मतलब ऑपोजिट चलता है आपके ट्रेड का, या फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको एज ए इंडिकेटर रख सकते हैं कि जो भी ये शो कर रहा है उसके ऑपोजिट जाना है। तो दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम लाइटकॉइन का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो देखिए इसके प्राइस ने एक बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम बॉक्स आपको बिटकॉइन में भी देखने को मिलता है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनमें ऑलमोस्ट आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। अब क्या है कि यहाँ प्राइस ऊपर से आया है और इस बॉक्स के अंदर हम मूवमेंट दे रहे हैं, तो अगर हमारा ये जो सपोर्ट जोन है वो ब्रेक होगा तो आपको अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ लाइटकॉइन को सपोर्ट में बाय करना चाहते हैं तो जो आपका बाइंग का रेंज रहने वाला है वो है $60 का, $55 का। अगर आपको इस दो रेंज में मिलता है तो लाइटकॉइन को आप बाय कर सकते हैं, चाहे आपकी जो पहली एंट्री है वो 120 की ही का है ना हो। अगर आप यहाँ पे बाय कर लेंगे तो आपका जो ऑन एन एवरेज है वो सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद से जो हमारा टारगेट होगा वो $100 का, 120 का इजीली मिल जाएगा, और उसी टारगेट को अचीव करने में हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा। अभी देखिए मार्केट में कोई खास वॉल्यूम नहीं है इसलिए आपको यहाँ वेट करना पड़ सकता है, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से आ रहे हैं तो आपको इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अगर आप इसका डेली टाइम इंटरवल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं तो हमने यहाँ से शॉर्ट ओपन करा था, हमारा जो टारगेट था वो यहाँ 75 तक का था, तो 75 के ये नीचे आया और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये कुछ रेंज आपको यहाँ देखने को मिला। अभी भी जो इसका प्राइस है वो यहाँ बेयरिश ही पैटर्न बना रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक बेयर फ्लैग बन रहा है, दोबारा से आपको यहाँ पे एक बेयर फ्लैग जैसा ही पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा।
इसलिए हमें उम्मीद है कि जो लाइटकॉन का प्राइस है वो यहाँ एक बॉटम लगा सकते हैं $60 का। पर यहाँ पे देखिए, पहली जो आपने एंट्री है वो $60 पे ओपन करके रखनी है, दूसरी एंट्री के लिए आप वेट कर सकते हैं $55 का, और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा अपना बाइंग करके रखेंगे इसको लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के अगर हम टारगेट की बात करें तो देखिए ये डेली टाइम इंटरवल है, और जब यहाँ हम 2024 में एंटर होंगे तो एकदम से जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी, हम बुलिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखेंगे 2021 का तो ये कुछ रेंज रहा है जहाँ ये 300-400 से डंप हो गया है। तो 2021 में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $70,000 के रेंज में गया था, तो ये भी $300 के $400 के रेंज में गया, और वहाँ से ये भी डंप हुआ है और बिटकॉइन भी डंप हुआ है। तो इससे एक एग्जांपल आपको मिल रहा है कि जैसे जैसे बिटकॉइन अपने यहाँ रिकवरी करेगा वैसे वैसे आपको रिकवरी लाइटकॉइन में भी देखने को मिलेगा। पर इसके बावजूद भी देखें, मैं आप लोगों का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, अगर आपको खुद अपने बिहाफ पे ये अच्छा लगे तभी अपनी बाइंग कीजिएगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।